उत्तर प्रदेश की राजधानी में सियासी पारा गर्मा गया है, जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोल दिया है। नौबत जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर का गेट फांदने तक आ गई। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव को लोकनायक जेपी नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन सपा मुखिया को अंदर जाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर एलडीए ने ताला डाल दिया। गेट फांदकर कोई ना जा पाए, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि एलडीए ने सुरक्षा कारणों की वजह से अखिलेश को जेपी सेंटर में जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने सेंटर के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश भी मौके पर पहुंचे और अखिलेश गेट फांदकर जेपीएनआईसी के अंदर चले गए, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता और जोश में आ गए। अखिलेश ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद से सियासी पारा गर्मा गया है। बता दें, समाजवादी पार्टी ने एक्स पर ट्वीट किया कि भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जेपीएनआईसी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा, और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। बड़ी बात यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है। अखिलेश यादव जिस तरह से गेट फांदे, उससे ये साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल राज्य में 80 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इस बार सपा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती दे रही है। अखिलेश का इस तरह गेट फांदना बता रहा है कि यूपी में केंद्र की सत्ता को लेकर संघर्ष तेज होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।